हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6। तो 4.6 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? कितने? 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसका नाम है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में इसका सबसे पहले हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। देखो, इसमें क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है? मैंने क्या लिया, लीनियर इक्वेशन। अब देखो, लीनियर इक्वेशन में हम तीन चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? दूसरा हमारा क्या आता है, पैरेलल लाइन, ठीक है? दूसरा क्या आएगा, पैरेलल लाइन। और तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा है को इंसिडेंट लाइन, या को इंसिडेंट, ठीक है? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है? को इंसिडेंट लाइन। अब देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी ये है जो एक दूसरे को कट करती है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है? किसी एक पॉइंट पे कट करे उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस जब इंटरसेक्ट कर जाए तो वहां पर क्या आता है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? क्या आ जाता था, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम इसको क्या बोल देते थे कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है? कि ये कंसिस्ट कर रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे हम कंसिस्टेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन आपको पता है, पैरेलल लाइन इस तरह से होगी, ठीक है? ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कहाँ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन देखो, ये कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, ये एक लाइन ली और उसी लाइन के ऊपर ये लाइन क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है? कोई कोइंसिडेंट लाइन है जिसमें एक लाइन लेंगे उसी के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बनेंगे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वहां क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है? और ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है? याद रखो कि जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट। मैं यही लिख देता हूं कि दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है? और जो सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगे, डज नॉट, डजंट एग्जिस्ट, वो क्या हो जाएंगे, दे आर इनकंसिस्टेंट, क्या हो जाएंगे, वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है? अब देखो, जब आप इतना कर लोगे उसके बाद क्या होगा हमारा, अब जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है, या तो वो जीरो आएगा, ठीक है, या तो वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। देखो मेरे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, या तो ये इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो, या फिर डज नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है? अगर देखो डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, यहां पर डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो ये कंसिस्ट कर जाएगा, ठीक है? ये क्या कर जाएगा, कंसिस्ट, हम क्या लिख देंगे इसको, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ये याद रखना है आपने कि ये कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन, और इसके यूनिक सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है?
लेकिन अगर केस आ जाए कि इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो आने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसका एक बार दोबारा से हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर एक बार दो यहाँ पर इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम इसका एक बार दोबारा से और टेस्ट करेंगे। तो वहां क्या करेंगे हम, इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे वहां पर, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे मैं इसके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जब जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, डज नॉट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू जीरो आएगा, तो वहां पर हम एक टेस्ट और करेंगे जिसका नाम होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अभी सिर्फ हम इसको क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, देखो मैं साइड में बता दूंगा आपको, अगर हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे। अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो उसका उसको समझ लो कि वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्ट कर रहा है और उसके यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ना आए तो इसका हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे। किसके लिए करेंगे, वो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के लिए, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ क्लियर की कि हम किसके लिए टेस्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब आएगा तो वहां पर भी क्या होंगे भाई, दो केस बन जाएंगे। एक केस क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। अगर यहां पर डज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और नो सॉल्यूशन, यानी कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर यहां पर आ जाएगा इक्वल टू जीरो तो हम क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट, और क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम लिख देंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ इसी मैट्रिक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होगा वो ये चीज यूज होगी, ठीक है। ये जितना मैंने आपको बताया ए डिटर्मिनेंट के बारे में, ये सारा यूज होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब करते हैं इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। ये तो था सारा बेसिक। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, एक्सरसाइज है 4.6। क्वेश्चन वन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, अगर कंसिस्ट करता है तब तो ठीक है, नहीं करता तो उसको वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हम ले लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया है एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको लिखने का जो तरीका है उसको कैसे लिखेंगे, हेयर दिस इक्वेशन मे बी रिटर्न, या फिर कैन कर लो, ठीक है, कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखी जाएंगी, इसके आगे क्या है भाई, 1 है, यहाँ 2 लिख दो, और ये 2 और 3 एज इट इज, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। और x और y को अलग कर दो, यहाँ पर x और ये y को हमने अलग कर दिया, और इक्वल टू ये 2 और 3 को अलग कर दिया, ठीक है, सिंपल है ना। x के आगे क्या था, इसका कोफिशियंट 1 था, इसका कोफिशियंट 2 था, तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 2 और 3 लिख दिया, और x y को हमने अलग कर दिया, ठीक है, एक्स वाई को अलग कर दिया। और इसको लिखते हैं कैसे है भाई, ये बन गया मेरा ए, ये आ जाएगा मेरा एक्स, और इक्वल टू ये बनता है बी, ये क्या आता है बी। अब क्या करेंगे हम, निकाल लेंगे यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, हम काफी बार कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को, जहां पर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो काफी टाइम काफी बार क्वेश्चन कर लिए। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, क्या करेंगे यहां पर, 3 1 3 माइनस 2 2 4 इक्वल टू कितना आ गया, -1, और ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस आ गया ना। तो हम क्या लिख देंगे कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक
सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको यहां पर क्लियर किया था कि डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन उसके बन सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। दोबारा से कैसे लिखेंगे? हेयर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो यहां क्या करेंगे, 2 हमारे पास ये, यहां पर इसके आगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस यहां पर कितना है, माइनस 1 है ना, तो माइनस को माइनस का 1 रखेंगे क्योंकि y के आगे माइनस, यहां पर 1 आएगा, यहां पर हमारे पास x और y आ जाएगा और इक्वल टू 5 4 आ जाएगा। अब ये a है, ये x है इक्वल टू b। अब क्या निकालेंगे यहां से, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया, 1 2 2 माइनस 1 1 1। ठीक है, माइनस का 1 आया, इक्वल टू कितना बन गया, 3, वो भी क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोबारा से हेयर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यहां आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 6, यहां आ जाएगा एक्स वाई, यहां आ जाएगा 5 8 और ए एक्स इक्वल टू बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, 6 1 6 माइनस 2 3 6, यानी कि आ गया 0। ठीक है, अब 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसका दोबारा से करेंगे और क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, ए इंटू बी क्या करेंगे, देखो अब सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकाल देंगे ए के। हेयर नाउ कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए कैसे निकलेंगे, देखो कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लास्ट वीडियोस को आप देख लेना। ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब यहां आ जाएगा C11, यहां आ जाएगा C12, C21, C22। ठीक है, कोफैक्टर्स में जब 2 × 2 का आता है हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो 6 के प्लेस में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर क्या आ जाएगा, C11 में ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को रख दो, C12 हमारा क्या है, C12 ये रहा 3, तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, ये 2। अब यहां देखो C21 है, C21 के प्लेस में क्या आ जाएगा, C21 मेरा 2 है, तो इसके प्लेस में ये 3 आ जाएगा, यहां पर आ गया 3 और C22 बचा, यहां पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, ये तो इवन है, ये ओड है, तो इसके आगे माइनस आ गया, यहां पर ये 2 + 1 3 ओड है, तो ये माइनस आ गया और एज इट इज। ठीक है, ये निकाल लिया हमने इसके कोफैक्टर, अब क्या करेंगे हम यहां से, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया मेरा, इसको लिख दो ना, एडजॉइंट ऑफ ए के प्लेस में क्या लिख देंगे, 6 - 2 - 3 और ये 1 और बी मेरे पास क्या है, ये इंटू कर दो 5 8। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 5 30 और 3 8 24, यानी कि -24 आ गया। अब यहां से करेंगे तो 2 5 10 माइनस के 10 प्लस 1 8 8, इसको सॉल्व किया कितना आया, ये आ गया हमारे पास 6 बचा और यहां पर कितना बचा, -2, जो क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। अब डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो
सॉल्यूशन, ठीक है। ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो हम क्या बोल देते कि ये कंसिस्ट कर रहा है। अब यहां पर दोबारा से क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। ये वाले जो ऑप्शन है डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया, देखो आप खुद ही देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालते थे, डज नॉट इक्वल टू आएगा जीरो तो इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन, और अगर जीरो के इक्वल आए तो कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको लिखने से पहले, हेयर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एस, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या है, एक्स के आगे है वन, इसके आगे है टू, और यहां पर आ जाएगा ए। अब यहां पर वन थ्री एंड ए, वन टू टू ए, ठीक है। यहां पर लिख दो एक्स वाई और जेड, अब थ्री इंटू थ्री की, थ्री इंटू थ्री का आ गया, ठीक है, इक्वल टू वन टू फोर, वन टू और फोर। तो ये लिख दो ए, यहां आ जाएगा एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहां से करेंगे, तो ऐसा करो, इसको मान लो फर्स्ट प्लस माइनस प्लस कर लेंगे ना, यहां से करेंगे ना, तो एक का निकाल लो, बाकी की निकालने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया है, थ्री टू जा सिक्स ए, सिक्स ए माइनस टू ए, ठीक है, कितना आ गया। उसके बाद क्या है, माइनस का वन, ठीक है, यहां पर था वन, इसके बाद माइनस के वन रखा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा, ये फोर ए माइनस टू ए, लास्ट में बचा मेरे पास प्लस वन, कितना आ जाएगा टू ए, यानी कि ये हाइट और ये हाइट, टू ए माइनस थ्री ए, ठीक है। एक्सपेंड किया इसको तो मेरे पास यहां से आया इक्वल टू फोर ए, यहां पर आ गया माइनस टू ए, यहां पर आ गया माइनस ए। जब हम इसको करेंगे तो साफ क्लियर है कि हमारे पास कितना बचा, ये ए कितना बचेगा, ए, ठीक है, तीन बन गए, तीन में से एक गया, एक ही बचेगा ए, जो क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो। हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।